दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारी कहानी चल ही रही है, आपने अभी तक जाना है किस प्रकार से भानुदेव की परीक्षा तांत्रिक कृतिका लेती है जिसमें वह पूरी तरह से सफल होता है। लेकिन भानुदेव काफ़ी ज़्यादा सीधा होने के कारण उसकी बातों को ना समझते हुए गाँव में इस बात का प्रचार कर देता है कि खजाना खोदने जाना है। इस वजह से गांव, शहर और उस नगर के सारे लोग, यहाँ तक कि राजा भी, वो सारी बात जान लेता है, क्योंकि लोगों के एक के दूसरे के मुंह से होते हुए बातें राजा तक पहुँच जाती हैं। राजा और पूरा नगर उस जगह इकट्ठा हो जाता है। राजा अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख पाता है और जब उसे सैनिकों से पता चलता है कि नीचे एक विशालकाय खजाना सामने दिखाई पड़ रहा है, तुरंत ही अपने सैनिकों को इशारा करता है। सैनिक पीछे से कृतिका के सिर पर वार कर देते हैं और कृतिका बेहोश हो जाती है। साथ ही साथ भानुदेव को भी पकड़ लिया जाता है और इनको एक गुप्त स्थान पर जाकर कैद कर दिया जाता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि अंदर वो जाएं और जितना भी धन मिल सके वो उसको उठाकर खींच करके बाहर ले आए। सैनिक और उसका सेनापति तुरंत ही इस कार्य को संपादित करने के लिए अंदर उस खो से प्रवेश करते हैं। क्योंकि यह स्थान गंगा नदी के बिल्कुल नज़दीक था तो वहाँ पर पानी भी आ सकता था, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ वहाँ जाना होता है। सैनिक लोग बड़ी ही आसानी से और धीरे धीरे खोदते हुए उस स्थान को बड़ा और चौड़ा कर देते हैं ताकि वहाँ से पूरा का पूरा खजाना निकाला जा सके। इस हेतु राजा कहता है कि जितना भी खजाना मिले वो सारा का सारा एक जगह इकट्ठा करके फिर नगर को पहुंचा दिया जाए और यहाँ उपस्थित सारी जनता को भी भगा दिया गया। राजा के आदेश पर वहाँ केवल और केवल राजा और राजा के विशालकाय सेना थी। सैनिक अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही सैनिक प्रवेश करते हैं वहाँ तैनात उन पिशाचनियों को पता चल जाता है। पिशाचनियाँ वहाँ पर बहुत सारे सर्पों को छोड़ देती हैं। सर्पों को देखकर सैनिक घबरा जाते हैं और उनसे डरने लगते हैं। कुछ सैनिक वापस भागते हुए आते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं। राजा कहता है, मूर्खों, इतने छोटी सी बात से घबरा गए हो, तुरंत ही मशालों को जलाओ। हजारों की संख्या में मसाले इकट्ठा की जाती हैं और उन्हें तेल से पूरी तरह से जलाकर एक साथ उसके अंदर प्रवेश किया जाता है। ज़मीन पर मशालों को हल्का हल्का सा रगड़ते हुए दिखाते हुए एक साथ चलने को राजा ने कहा था ताकि आग का पूरा एक गोला तैयार हो जाए। उस बड़े से आग के गोले के कारण जितने भी सर्प होंगे वो भाग जाएंगे। राजा की बात में दम था। सैनिकों ने इस कार्य को संपादित किया और उन्होंने इस चमत्कार को घटित होते देखा। यहाँ ना कि पिशाचिनियों ने बहुत सारे सर्पों को छोड़ा था, फिर भी सर्प आग के आगे टिकने वाले कहाँ थे। तो जैसे जैसे सैनिक आगे चलते जा रहे थे और उनके चारों तरफ उन्होंने अपनी मसालें इस तरह से एक दूसरे के साथ लगा करके फिट करके रखी हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर एक आग का गोला सा बन गया था, एक लंबा दायरा सा बन गया था। उस दायरे के आसपास कोई भी जीव नहीं फटक सकता था। सर्प इधर उधर भागने लगे। पहली बार पिशाचिनियों की हार हुई थी। पिशाचिनियों को इस बात से बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत ही उस जगह एक छोटी सी जगह पर छेद कर दिया जहाँ से पानी अंदर आने लगा। पानी गंगा नदी का था। यह सब देख करके सैनिक एक बार फिर से घबरा गए। सैनिकों ने एक बार फिर से अपने सेनापति और राजा को खबर दी कि अंदर पानी का एक छोटा सा छेद हो गया है जिसकी वजह से पानी अंदर की ओर आ रहा है। राजा ने कहा, इतनी छोटी छोटी बातों से तुम लोग घबरा जाते हो, उस स्थान को किसी प्रकार से भर दो। सैनिक पत्थर और गोपनीय विशेष प्रकार की पदार्थों को इकट्ठा करके उस जगह को भर देते हैं और इस प्रकार से पिशाचिनियों की दूसरी चाल भी नाकामयाब हो जाती है। बड़ा छेद वो कर नहीं सकती थी, उनका उद्देश्य सिर्फ डराना था, क्योंकि
वहाँ पर अगर अधिक मात्रा में पानी भर जाता तो सारा सोना भी उसमें मिट्टी में हो जाता और पानी से भर जाता, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती थी। पिशाचनियाँ एक जगह पर इकट्ठा हुई, सभी पिशाचनियों के साथ में उनकी देवी भी वहीं पर मौजूद थी, अर्थात उनकी नेतृत्व करता। उनका नेतृत्व करने वाली महापिशाचिनी ने कहा, इनको अब इनकी ही चालों से मात देनी होगी। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि अब सबसे भयंकर प्रयोग करना होगा। कहते हैं कोई भी पुरुष काम शक्ति से नहीं बच सकता है, हमको उसी शक्ति का यहाँ पर प्रयोग करना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसी माया रचती हूँ कि यह स्थान बहुत ही सुंदर हो जाएगा, इसका प्रवेश द्वार और खजाने से ठीक पहले यह जगह हम लोग अपनी माया से ऐसी बना लेंगे और इन सैनिकों को यहीं पर भ्रमित कर देंगे। सब की सब वहाँ पर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। वहाँ पर चमत्कारिक रूप से एक छोटा सा एक आध फुट का गहरा तालाब बन जाता है। उस तालाब में हजारों की संख्या में कमल निकल आते हैं। कमल भी वहाँ पर विशालकाय थे, अर्थात 20-20 15-15 फुट के। वह जगह बड़ी विशालकाय हो गई, हालांकि वह सब एक माया थी। उस पर सभी पिशाचनियाँ बैठ जाती हैं और ऐसा रूप धारण कर लेती हैं जैसे कि कोई देवियाँ। शरीर पर सारे पूरे वस्त्र नहीं होते हैं, पूरी तरह से वो नग्न होती हैं, केवल और केवल सोने के आभूषण शरीर पर लदे होते हैं और उन्हीं से ही पूरा वस्त्र उनके निर्मित ऐसे दिखाई पड़ते हैं, अर्थात कमर पर कमरबंद, वक्षस्थल पर बहुत ही अधिक मात्रा में सोना और उसके बने हुए हार। तो इस प्रकार से वह पूरी तरह से वस्त्र ऐसे जैसे कि पूरा सोना उनके शरीर पर लदा हो, ऐसे रूप और सुंदर स्वरूप को अत्यंत ही धारण वो कर लेती हैं और सब की सब कमल पर विराजमान हो जाती हैं। अपने स्वरूप को अत्यंत ही चमकीला और प्रकाशवान साथ ही साथ वो बना लेती हैं। ऐसा अद्भुत नज़ारा जब पहली बार सैनिक देखते हैं तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उनके सामने कई सौ देव कन्याएं दिखाई पड़ती हैं जो पूरी तरह से नग्न हैं और उनके शरीर के ऊपर इतना अधिक सोना लटका हुआ है, जिसको देख करके कोई भी व्यक्ति उस स्त्री को पाना चाहेगा और उसके सोने को भी। जैसे ही सैनिक आगे बढ़ते हैं अपनी अपनी मशालें वो फेंक देते हैं, तभी पीछे से जो टुकड़ी होती है वह टुकड़ी भी अपनी मसाले नीचे रख देती है। पिशाचनियाँ अपने कृत्रिम इशारे करती हैं और जो सर्प इधर उधर भाग गए थे वो पीछे पीछे जो मुख्य द्वार था उस गुफा का, उसके अंदर से सबसे पहला जो कदम पड़ता है उस स्थान पर पहुंचने लगते हैं। यानी कि पीछे की जितनी टुकड़ियों हैं उनके ऊपर सर्प चुपचाप हमला करने के लिए बढ़ते चले जाते हैं। आगे की टुकड़ियाँ जो बिल्कुल सामने यह सब दृश्य देख रही थी वह देखकर कुछ ठिठक सी जाती हैं। सब की सब सैनिक आपस में बात करने लगते हैं कि अब वो करें तो क्या करें, सामने इतना सुंदर नज़ारा है जिसको देख कर के प्रत्येक के मन में कामुकता के साथ साथ धन लोलुपता भी पूरी तरह से हावी हो रही थी। तभी उनमें से प्रमुख पिशाचिनी ने अपनी आंखें खोली और सामने सैनिकों को कहा, आप लोग कौन हैं? तब सारे के सारे सैनिक अपने में से मुख्य सैनिक जो उनका प्रधान था उसको आगे भेजते हैं और कहते हैं तुम जाकर बात करो, हम सब पीछे से तुम्हारी हामी में हामी भरते रहेंगे। उसे कुछ समझा कर वो आगे कर देते हैं। पिशाचनी सारी बात को समझ रही थी। पिशाचनी ने तुरंत ही उनसे कहा कि विप्रवर आप कौन हैं, मुझे बताइए आपका यहाँ आगमन क्यों हुआ है? हजारों साल बाद हम लोगों की तपस्या के कारण शायद आप लोग यहाँ पर आए हैं। यह सुनकर सैनिक प्रमुख एक बार फिर से आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, देवी आप कौन हैं और यहाँ इस तरह की बात का क्या अर्थ है? पिशाचनी मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, आप ही तो मेरे स्वामी हैं। हम लोगों को यहाँ पर कई सौ साल पहले बिठाया गया था और कहा गया था कि जो भी सबसे पहले खजाना प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आएगा वही सब आप लोगों के स्वामी होंगे।
लेकिन उनकी शर्तों को पूरा करने के बावजूद ही आप अंदर का खजाना ले पाएंगे। इसको इस तरह से हमसे कहा गया था। सैनिक कहता है कि आप लोग किस बंधन से बंधे हैं मुझे बताइए, मैं अवश्य ही अगर मेरी सामर्थ्य होगी तो उस बंधन को काट दूंगा। पिशाचिनी कहती है आप मेरे शरीर पर इन गहनों को देख रहे हैं, आपको यह गहने उतार कर जमीन पर रखने होंगे, उसके बाद इस कमल पर बैठकर ही मेरे साथ संभोग करना होगा और जितनी भी मेरी यहाँ पर सखियाँ और सहेलियाँ हैं प्रत्येक के साथ प्रत्येक सैनिक को इसी प्रकार करना होगा, तभी आप अंदर का खजाना ले जा सकते हैं। ऐसा सुनकर मन ही मन सैनिक और भी ज़्यादा उल्लास में आ गया क्योंकि उसकी मन इच्छा और धन दोनों ही एक साथ पूरे हो रहे थे। उसने कहा इस तरह की विशेष प्रकार की शर्त क्यों है? तो कहती है कि यह स्थान मलिन हो चुका है, यह स्थान स्वर्ग जैसा था, स्वर्ग में काम सुख सबसे बड़ी चीज होती है, इसीलिए आप अगर हमें काम संतुष्ट कर पाएंगे तो अवश्य ही हमारे शरीर का साना सोना और उसके साथ साथ पीछे पड़ा ये हजारों टन सोना आप प्राप्त कर सकते हैं। पिशाचनियों की इस बात को देख करके बड़ा ही अचरज होता है। सैनिक पीछे मुड़ता और सबको बताता है, सारे सैनिक खुश हो जाते हैं। वो जल्दी जल्दी अपने सारे वस्त्र उतारते हैं और एक एक कमल पर एक एक पिशाचनी के पास जा कर के उसके गहने और शरीर से उतारने लगते हैं क्योंकि पहले ही वो पूरी तरह से नग्न थी, अब गहनों के बिना वो पूरी तरह से पूर्ण नग्न होने वाली थी। जैसे ही वहाँ पर पिशाचनियाँ और वह सैनिक आपस में काम क्रिया शुरू करते हैं अद्भुत रूप से वहाँ का मायाजाल टूटने लगता है। वहाँ पर जब वो देखते हैं तो अत्यंत ही भयानक स्त्रियों को जिनकी शरीर का हड्डी और मांस भी सूख चुका था, पूरे शरीर से गंध आ रही थी और भयंकर बदबू चारों तरफ फैली हुई थी और उसे वो अपने गले लगाए हुए चुंबन कर रहे थे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। पिशाचनियों ने उन्हें अपने बाहों में जकड़ लिया और गर्दन की एक विशेष जगह पर अपने दांत गड़ाकर उनके खून पीने लगी। बाकी पीछे खड़ी हुई सैनिक टुकड़ी को ये सब दिख रहा था कि वह आपस में काम क्रिया कर रहे हैं, वह भी काम में उतावले हुए जा रहे थे। पिशाचनियों ने अपना काम कर दिया था, उनके शवों को पीछे की ओर फेंक दिया और वो सड़ गल गए। अगली टुकड़ी भी इसी कार्य के लिए तैयार हो गई क्योंकि उसे यह सब दिखाई दे रहा था कि पिशाचनियों के रूप में जो देवियां वहां पर मौजूद हैं उनके साथ संभोग करना है, सोना उठाना है और बाकी सोना प्राप्त करना है, और पिछली टुकड़ी जो उनसे आगे गई हुई है वो और जो पीछे की टुकड़ियाँ हैं वो सब भी इसी कार्य के लिए तैयार हैं। आगे की टुकड़ी आगे निकल जा रही है और उसके बाद अगली टुकड़ी का नंबर आ रहा है, पर वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। वास्तव में जैसे ही वह उनके नग्न शरीर को अपने शरीर और से पूरी तरह से पकड़ते थे उसके बाद उनकी वास्तविकता उन्हें नज़र आ जाती थी। उनका शरीर आधा सड़ा हुआ होता था, जगह जगह पर गंदगी और भद्दापन दिखाई पड़ता था, मुँह में बड़े बड़े दाँत थे जिनकी सहायता से वो सैनिकों का रक्त पीती थी और उसके बाद सैनिकों को एक और फेंक देती थी। सैनिक भी वहीं पर सड़ गल जाते थे क्योंकि उनकी पास शक्तियां बहुत ज़्यादा थीं। ऐसे ही करते करते आधी सेना खत्म हो गई। मुख्य द्वार पर सर्पों ने हमला कर दिया और वहां के सैनिकों को मार डाला। देखते ही देखते 1000 से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए। तभी एक सैनिक सर्प के हमले से अपने आप को बचाते हुए दौड़ता हुआ राजा के पास गया और कहा कि महाराज आपकी 1/4 सेना समाप्त हो चुकी है। ऐसा क्यों? राजा ने प्रश्न किया। उसने कहा यह पूरा तंत्र से भरा हुआ खजाना लग रहा है मुझे, जिन सर्पों को भगा दिया गया था वह सर्प मुख्य द्वार पर आकर के हम सबको काट रहे हैं, आगे की टुकड़ियां ऐसी निशब्द होकर के चलती चली जा रही हैं जैसे कि उन्हें पीछे वाली टुकड़ियों से कोई मतलब ही नहीं है, सबके सब आश्चर्यचकित हैं और फिर उधर से कोई आवाज़ नहीं आती, वो सब ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं जैसे उन्हें वशीभूत किया गया हो, पूरी तरह से वशीकृत होने के लक्षण उनके नज़र आते हैं। यह सब अंदर क्या हो रहा है? हमारी समझ से पूरी तरह से परे है। आप मुझे लगता है किसी तांत्रिक को इस कार्य के लिए नियुक्त कीजिए।
अन्यथा आपकी सारी सेना इसी प्रकार जा करके मारी जाती रहेगी। राजा सोच में पड़ गया। वास्तव में अभी तक एक भी सैनिक वापस नहीं आया था। केवल एक आया, वो भी मुख्य द्वार से ही भागकर वापस आ गया था और वही ये सारी कहानी बता रहा था। राजा ने कहा, तुरंत ही बड़े से बड़े तांत्रिक को यहाँ बुलाया जाए। राजा की आज्ञा पर उस शाम को वहाँ पर कई सारे बड़े बड़े तांत्रिकों को बुला लिया गया, एक से बढ़कर एक, और सबके सब तैयार थे। इधर जिस जगह पर कृतिका को कैद किया गया था, उसे होश आ गया। उसने सारी बात समझते उसे देने लगी। उसने तुरंत ही अपने मुख से उस पिशाच का उच्चारण किया। वह पिशाच तुरंत ही प्रकट हो गया और कहने लगा, देवी आपकी हालत कैसे हुई? कृतिका ने उसे कहा, मुझे लगता है किसी प्रकार से बंधन किया गया है, क्योंकि मैं अपनी योगिनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रही। लेकिन तुम चूंकि मेरे बंधन में नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ मेरी आज्ञा पालक थे, इसलिए केवल तुम बंधन से मुक्त हो। मेरी सहायता करो। पिशाच कहता है, अवश्य देवी, मेरी जो भी सहायता बनेगी मैं आपकी सहायता करूंगा। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। कृतिका ने उसे रूप से कुछ समझाया। उसे देख करके फिर वह पिशाच हंसने लगा और कहने लगा, अवश्य ही मैं आपके कार्य को संपादित करूंगा। आखिर वो कौन सा कार्य था जो कृतिका ने उसे सौंपा था, ये हम जानेंगे अगले भाग में। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के सारे भागों को एक साथ भी देख सकते हैं, वो जो एक दिन बाद जरूर अपलोड हो जाते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो नीचे होता है, वहाँ पर भी अगले वीडियो का लिंक एक दिन बाद मिल जाता है या उसी दिन मैं डाल देता हूँ, ताकि आपको अगले भाग तक पहुँचने में कोई समस्या नहीं हो। इंडी स्क्रीन में भी मैं किसी भी भाग का अगला भाग एक दिन बाद डाल देता हूँ, इसलिए आप लोगों को कोई समस्या इससे नहीं आती है। अगर फिर भी लोगों को वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो वो जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, कि बेल आइकन जो है उसको प्रेस करके आपके पास जितने भी नए नोटिफिकेशन होते हैं वीडियोस के, वो जरूर आते रहेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।